Hey guys, you are watching my YouTube channel Welcome Poultry Farm and welcome to another nice video. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. मैं हूँ मीर निहाल और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वेलकम पोल्ट्री फार्म. और मैं अपने फार्म के गेट में ही खड़ा हूँ. अंदर से गाय आवाजें दे रही है, अबे घास ले आओ भाई, भूख लग रही है. तो आइए चलते हैं, घास का बंदोबस्त करते हैं. ये बकरियाँ और गायें सब आ गए हैं, ये भूखे हैं, घास नहीं आया. ये मुर्गियों को भी मेरे ख्याल में कुछ नहीं दिया जालिमों ने. ये दाना वाना लाओ, ये देखें सारे आके. अरे मेरे को आगे पीछे होने तो दो, मैं मंगाता हूँ, लड़ना नहीं. वो डॉन उधर खड़ा हुआ लड़ता है वो तो. अभी मंगा रहा हूँ. पहले उधर वो डाल ताकि बकरियाँ उधर लग जाए अपने धंधे में, दाना छिपा दे वरना ही छोड़ेंगे. उधर जा, तुम लोग उधर जाओ. शाबा, मुर्गियों को इधर छोड़ो, ये थोड़ा इनको दे, फिर घास मांस लेके आए. ये तो भूखे आए ना, इसलिए अभी ये माशाल्लाह अपने VIP नस्ल के मुर्गे मुर्गियाँ. ये बकरियाँ अभी तंग कर रही हैं, बकरियाँ आ गई. इनको पहले दिया करो खाने का अलग से ना, अभी तो बकरियाँ तंग करेंगी इनको. ये बकरियाँ खाने पीने नहीं दे रही हमारी मुर्गियों को, तो बकरियों से पहले इनको दिया करो खाना पीना. बा बकरियाँ आ जाए, बकरियाँ तो नहीं छोड़ेंगी ना अभी इनको, इनका बंदोबस्त पहले किया करो. ये देखें माशाल्लाह, ये अपना सिंधी नस्ल का मुर्गा खानदानी. और ये पट्ठे सारे तैयार, ये पट्ठे माशाल्लाह सब कदावर लंबे चौड़े. ये अभी ये खाने में लग गए, फोटो नहीं खिंचवा रहे हैं. बकरियां भी तंग कर रही हैं इनको, बाद में फुर्सत से इनकी वीडियो बना के आपको दिखाएंगे. ए लड़ो नहीं, आ रहा है अभी. समझ ले आ समझ, ये देखना ये सारे अभी भागे हैं. इनका फ्राक घास ले आ ले आ ले आ शाबाश. ये देखना अभी ये कैसे पीछे पड़ जाएंगे. ये हमारा है बिस्मिल्लाह, देख के मेरा बच्चा. ये घास आ गया फार्म में, ये हमारे बकरी गाय इनका खुराक आ गया. तो ये सब डाल, कोई उधर डाल दरख्त में पसा, कोई इधर पसा. ये अब कहाँ हटेंगे, इसलिए बोलता हूँ पहले ही लाया करो. ये जनाब 300 रुपये का घास है, महंगाई देखें आप. और आज तो माशाल्लाह फिर भी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है. 300 रुपये, जी 300 रुपये का घास है ये, 300 रुपये का. और इनके ये बस दांत ही खट्टे होते हैं. और ये सुबह इससे दूर हटना, इस तरफ से आ, इसको ये कहाँ काबू आएगी. कोई ऊपर पसा, इधर झाड़ियों में पसा ताकि सिस्टम बना. ए गेट भी खुला छोड़ दिया, बाहर ना निकल जाए. माशाल्लाह बोले, ये हमारे अपना घर का गाय, ये दूध मूध देती है, बच्चे देती है. और ये बच्चा भी इसी का है, ये अगले साल हमारे कुर्बानी के लिए तैयार होगा. और ये हमने सॉरी, ये हमने रखा है अपनी कुर्बानी के लिए माशाल्लाह. ज़िंदगी रही है हमारे कुर्बानी के जानवर को मार रहा है, दाल खोर चटनी खोर मार रही हमारे कुर्बानी के जानवर को. खिलाओ पिलाओ तगड़ा करो, अभी ये कमज़ोर है. हाँ ये अपना बदला खुद ही ले रहा है, तो इसको ऐसा करेगा ना, ये जब इसको कुर्बानी में लेके जाएंगे घर में तो ये सबको धोएगा. ये समझ के साथ हिला हुआ है, हमारे को तो ये करीब नहीं आने देता. समझ से फिर भी ये बातें कर रहा है, दो चार हेलो हाय कर रहा है. ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारा मंजर माशाल्लाह. ये कुछ जो है वो करीब नहीं आ रहे, उनकी तबीयत सही नहीं है, या तो पेट भरे हुए उनके. क्या हुआ भाई साहब, आप खा नहीं रहे, या पेट भरा हुआ है, या तबीयत सही नहीं है, क्या मसला है? पानी इनको भर के दे, क्या मसला है? कुछ लोग नहीं खा रहे हैं, वो मैंने कहा भी था उसकी तबीयत खराब है, वो वाइट वाले की, उसका जो है ना कुछ इलाज करें, दवाई शवाई का बंदोबस्त करें. तो आपसे मिलते हैं,
ब्रेक के बाद। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। ये भाई बचे हुए तरबूज और इसको भगा, ये इसका है, इसका नहीं है, इसी का है, इसको भी क्या, इसका वो पेट वेट बंद है मुझे लग रहा है। ये तरबूज के छिलके रखो, ये बड़े शौक से खाते हैं और ये देने चाहिए इनको गर्मी में। ये हम अपना तरबूज खा के अफ्तारी खोल के तो छिलके अपने ये देखें रख लेता है और छिलके ज़ाया नहीं करता, छिलके ला के हम अपनी मुर्गियों को देता है। तो इनके लिए सेहत के लिए भी सही है, इनके खाने के लिए भी सही है। ये देखें ये कैसे माशाल्लाह खा रहे हैं टूट पड़ के, ज़बरदस्त। तो आप लोगों ने भी यही करना है, छिलके भी ज़ाया नहीं होने चाहिए, छिलके रख देने मुर्गियों के लिए और बकरियों के लिए। ये देखें ये कैसे निकाल निकाल के खा रहे हैं, इसका पानी का कमी भी पूरा होगा, ये इनके सेहत के लिए भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो आज के बाद आपने छिलके ज़ाया नहीं करने और काट के तरीके से फेंकने हैं बाहर ताकि किसी के भी काम आ जाए। हम तो खैर अपने ले आते हैं यहाँ अपने फार्म में, मुर्गियों को देते हैं, बकरियों को देते हैं और बाकियों का भी तो दिखा ना, एक मुर्गी का। ये देखें ये एक अभी उन्होंने खा के बर्फ और इसको वाइट कर दिया सफ़ेद, और ये दूसरा इसमें लगे हैं माशाल्लाह। ये बड़ा ज़बरदस्त है गर्मियों में, ये 999 बीमारियों का इलाज भी है तो खुराक भी है, तो ये ज़रूरी है, इनको देना चाहिए। आप लोगों के पास मुर्गियाँ हैं तो ये छिलके जो है आप इनको दे दिया करें, और हमारे पास तो शुक्र है बकरियां भी हैं मुर्गियां भी हैं तो ये छिलके हमारे ज़ाया नहीं होते। तो ये थोड़ी देर के लिए खोला है, नहीं तो बंद रखते हैं हम भी इनको, आजकल बच्चे छोटे हैं तो इतना केयर करना पड़ता है, चौकीदारी करना पड़ता है, चौकीदारी नहीं करो तो चील का वो हमला कर देते हैं, वो बिल्लियों का भी खतरा, तो इनको अभी बंद रखते हैं, थोड़े बच्चे बड़े हो जाएंगे फिर इनको आज़ादी दे देंगे। भाई घूमो अपनी माँ के साथ, आज़ादी के साथ, अभी हमारी भी मजबूरी है। तो ये तरबूजों के छिलके आज हमने ला के दिए सबको, ये खाते रहें, पानी का कमी पूरा हो, सेहत के लिए भी बहुत ज़बरदस्त, खुराक का खुराक, सेहत का सेहत, तो ये ज़ाया नहीं करते हम, अफ्तारी के छिलके भी हम अपने ज़ाया नहीं करते, इनको ला के देते तो ये भी शौक से खाते। ए लड़ी ना काटी ना मेरे को, ये देखिए माशाल्लाह हमारा भाई डॉन मुर्गी और ये इसके माशाल्लाह बच्चे, बच्चों को जल्दी बड़ा करने का तरीका भी आपको बताएंगे। ये लड़ने की चक्कर में है, ये लड़ना नहीं है ना क्या, चलो देखें लड़ाई तुम्हारी। तो बच्चों को बड़ा कर जल्दी बड़ा करने का तरीका आपको बताएंगे और देसी तरीका बताएंगे, क्योंकि इनको जल्दी बड़ा करने का वो तो एक फीड वगैरह देना वो तो बेकार है, अपना देसी तरीके सही है, लेकिन फिर भी टाइम लगता है इनको बड़ा होने में। गर्मियों में तरबूज जरूरी है इनके लिए। मिट्ठू, ए मिट्ठू भाग कहाँ रहा है, मिट्ठू मिट्ठू कोई कॉल, मिट्ठू
मिट्टू कुछ बोल, तू नहीं बोलेगा ना फिर इसको बोलता हूँ, ये बोलेगा। जल्दी बोल, मिट्टू बिगड़ा हुआ है, बातें नहीं कर रहा। Thank you.